गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास. टुडे आई एम टेलिंग अबाउट इंडिया एंड वर्ल्ड. एक्चुअली फर्स्ट यूनिट डिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड एंड इंडिया रिलेशन बिटवीन द अनदर कंट्री. सो प्लीज लिसन केयरफुली. जैसा कि हम जानते हैं, हम फर्स्ट यूनिट में हिस्टोरिकल पोर्शन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं. अपना फर्स्ट चैप्टर है राइस ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया, कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिशर्स का भारत में आगमन हुआ और उनके शासन का उदय हुआ. जैसा कि हम पहले से जानते हैं, इन द एंशियंट टाइम द ओल्डेस्ट पीरियड, कि भारत लगातार अपनी पोजीशन का एंजॉय कर रहा था इकोनॉमिकली. कहीं ना कहीं यहाँ के लोग काफ़ी धनाढ्य माने जाते थे, इम्पोर्टेंसी थी यहाँ इकोनॉमिकली. दूसरा, यहाँ का जो कल्चर था और यहाँ का जो रिलीजियस इनहेरिटेंस था वो काफ़ी इम्प्रूव था, काफ़ी इनक्रेजियस था. ऐसी स्थिति में जो है, कहीं ना कहीं इसकी प्रॉस्पेरिटी को देखते हुए, इसकी कल्चरल हेरिटेज को देखते हुए, यहाँ को लोगों को देखते हुए, कहीं ना कहीं जो विदेशी कंट्रीज़ थे उनका यहाँ पर आगमन हुआ. द वर्ल्ड अनदर कंट्रीज़ कम इन इंडिया एंड लॉट ऑफ डिमांड फॉर द इंडियन स्पेसीज मुस्लिन सिल्क क्लॉथ इंडिगो एंड द यूरोपियन कंट्रीज़. बाई यूरोपियन कंट्रीज़, जब वो भारत में आए तो उन्होंने कई तरीके की चीज़ों की यहाँ पर डिमांड की. एक्चुअली वो क्या थी कि वो लोग जो थे काफ़ी बड़े ट्रेडर्स थे, बिजनेस करना पसंद करते थे. जैसा कि हमने पहले ही बताया, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, जो है 16th century के आसपास ही वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था. तो इस स्थिति को देखते हुए कच्चे माल की, रॉ मटेरियल की पूर्ति को करने के लिए उन्होंने विभिन्न कंट्रीज़ में अपने कॉलोनीज़ को बनाना शुरू कर दिया था. और इसी की वजह थी कि विदेशियों ने, कहने का मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग थे, उन्होंने भारत में स्पाइस मतलब मसालों का और एक तरीके से यहाँ की कालीन का, सिल्क का, कपड़ों का और इंडिगो जैसे कि आप जानते ही हैं इंडिगो क्या होती है, किसी भी कपड़े पे कलर देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसे हम नील बोलते हैं, यहाँ पर व्यापार करने के लिए अपने आप को लाने की कोशिश की, यहाँ से बिजनेस करने की कोशिश की. लगातार ये जो ट्रेड था उनका इम्प्रूव कर रहा था, लेकिन ये जो ट्रेड है एक समय आके काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, क्योंकि इनका जो सी रूट था वो इस्तांबुल होते हुए था. और ऐसी स्थिति में जो है, कहीं ना कहीं इनके जो है एक तरीके से ट्रेड पे काफ़ी बड़ा एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ. इसलिए उन्होंने उस रास्ते को छोड़ना जो है ज़रूरी समझा. वजह थी कि वो रास्ता जो है कहीं ना कहीं तुर्की से होते हुए निकलता था. और फिर क्या, इन्होंने एक तरीके से फिर कोशिश की कि अब एक तरीके से तुर्की से ना होते हुए अपना एक अलग रास्ता चुना जाए. आफ्टर द कंस्क्यूट ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल, एक तरीके से देखा जाए इन्होंने क्या की, एक कोशिश की 1453 AD, जो तुर्की ने जो कि एक तरीके से रास्ता था जो अरब कंट्री से होकर गुजरता था, उसको क्लोज कर दिया. और उस क्लोजिंग होने की वजह से ब्रिटिशर्स को, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग थे, उनको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई. और वहाँ से इनके मसाले का व्यापार, मुस्लिम का व्यापार, सिल्क का व्यापार होने में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई. इसीलिए यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे, उन्होंने आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बना के एक जो है शुरू की, कि क्यों ना हम एक नए रास्ते की खोज करें जिसके माध्यम से हम भारत तक पहुँच सकें. जैसा कि हम जानते हैं, भारत क्या है, सब कॉन्टिनेंट्स कंट्री है. थ्री जो वे हैं एक तरीके से, वो क्या है, सी रूट्स हैं. तीनों ओर से सी कोस्ट होने की वजह से इसे एक तरीके से क्या बोला जाता है, सब कॉन्टिनेंट्स. और इसी नए सी रूट्स को ढूंढने के लिए काफ़ी होड़ मच गई यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर. और इसी की वजह से आगे देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स इन इंडिया. और आखिर में एक नए रास्ते का चुनाव हुआ, या हम कह सकते हैं नई खोज हुई, जो कि आपका पुर्तगाल लिस्बन से होते हुए अटलांटिक ओशियन से होते हुए आपका केप ऑफ गुड होप पहुंचता है, और वहाँ से एक तरीके से मोजाम्बिया होते हुए कोची, या हम कह सकते हैं कालीकट पहुंचने वाला ये जो रास्ता था नया मिला. और इसका जो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो श्रेय जाता है वो तो हम जानते हैं, वास्को डी गामा को जाता है. तो उससे पहले हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ रूट की हम बात करें, तो पुर्तगाली जो किंग थे प्रिंस हेनरी, उन्होंने काफ़ी लोगों से अपील की कि बिजनेस पर्पस से भारत पहुंचने के लिए एक नया रास्ता तय किया जाए, नए रास्ते की खोज की जाए, डिस्कवरी की जाए. तो काफ़ी जो एक तरीके से ब्रेव पर्सन थे, उन्होंने नए रास्ते के लिए ट्राई किया. और ऐसे
रास्तों के ट्राई करते करते आपने नाम सुना होगा ब्रदोलो म्यू, जो डियाज जिसे हम बोलते हैं, उसने एक नए रास्ते की खोज की जिसे हम केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। और यहाँ से एक तरीके से कहीं ना कहीं इनको एक नया रास्ता और इसका एडवांटेज जो था वो किसको मिला, एक आपने नाम सुना होगा, नाम सुना होगा जिसका नाम क्रिस्टोफर जो कोलंबस था, उसका मिला, उसको इसका एडवांटेज मिला और उसने यहाँ पे जो है इंडिया की खोज करने की कोशिश की। लेकिन वो इंडिया ना पहुँच के कहाँ पहुँचा, वेस्ट इंडीज़, जो कि अटलांटिक ओशियन के पास ही है। तो यहाँ से उसने समझा ये इंडिया है, तो उसने इसको इंडीज़ कहना शुरू किया, लेकिन वो था वेस्ट इंडीज़। तो ना बच्चों, हमें जैसे कि पता है वेस्ट इंडीज़ से नीचे उन्होंने जब इसकी खोज की तो एक नई जगह मिली जिसे हम अमेरिको वेस्पुची कहते हैं, जो कि आगे चल के जिसका नाम अमेरिका पड़ा। तो ये स्थिति किसकी थी, हम जो आपको बता रहे हैं वो थी क्रिस्टोफर कोलंबस की। उन्होंने कोशिश की लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। आगे चल के फिर एक कोशिश की गई जो पुर्तगाली सेलर था जिसका नाम था वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा डिस्कवर द न्यू रूट ऑफ इंडिया इन 1498, मतलब 1498 मतलब 1498 में एडी में उसने जो है भारत की खोज की। एंड व्हेन ही रीच इन कालीकट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ही वाज वेलकम बाय द देम किंग जमोरिन। उस समय जमोरिन वहाँ का राजा था, उसने काफ़ी गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत किया और यहाँ से इन्होंने बिजनेस पर्पज़ से अपना कार्य शुरू किया। किसने, पुर्तगाली जो नाविक था वास्को डी गामा, उसके द्वारा। एंड ही कंसिडर्ड द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द वर्ल्ड ऑन द ओपन डोर फॉर द यूरोपियन टू कम्स टू इंडिया, मतलब और यहीं से शुरू होता है पूरे विश्व के लिए भारत, मतलब भारत में यूरोपियन कंट्रीज़ का, यूरोपियन जो इतनी कंट्रीज़ का उनका आगमन होता है, और यहाँ से ही कहीं ना कहीं मान के चलो कि कॉलोनियल पीरियड की शुरुआत हो जाती है। कहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है, इसकी शुरुआत होती है, कहने का मतलब, वास्को डी गामा के आगमन से। तो नेक्स्ट आपका है अराइवल ऑफ यूरोपियन टू इंडिया, अराइवल ऑफ द ब्रिटिश एंड स्टेबलाइजमेंट ऑफ ट्रेड सेंटर। भाई जब एक इंसान जैसे हम वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली सेलर था, जब उसका आगमन हुआ तो उसने और जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया, और यहीं से यूरोपियन कंट्रीज़ का आगमन होता है, अपने ट्रेड फैक्ट्रीज लगाते हैं, ट्रेड सेंटर लगाते हैं। तो द पुर्तगालीज पर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया टू ट्रेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया। आखिर में सबसे पहले पुर्तगालियों का एक बिजनेस के तौर पर, बिजनेस जो कह सकते हो, बिजनेस करने के तौर पर यहाँ पे इनका आगमन हुआ। वहीं से विद इन स्पेन ऑफ द 100 ईयर, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पेन आ गया। स्पेन के साथ साथ यहाँ पे जो एक तरीके से जो पुर्तगाली थे उन्होंने कई सेवरल जो इंडियन टेरिटरीज थी उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, अपना कब्जा स्थापित कर लिया, जैसे कि लाइक दमन है, दीव है, गोवा है, कोचीन है। इस तरीके से उन्होंने अपना यहाँ पे फैक्ट्री सेंटर जो है कहीं ना कहीं स्थापित किया। हम देखते हैं फिर उसके बाद, इंस्पायर्ड बाय द पुर्तगाली सक्सेस इन ट्रेड द डच फ्रॉम हॉलैंड एंड द डेनिश फ्रॉम डेनमार्क अराइवल इन इंडिया फॉर ए ट्रेड। जब यूरोपियन कंट्रीज़ के जो अदर कंट्री जो थे, यूरोपियन मतलब कहने पुर्तगाल के अलावा जो अदर कंट्रीज़ थे, उन्होंने भी भारत की ऐसी स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। जैसे उनको पता ही था कि पुर्तगाली वहाँ पहुँच गए हैं, और जब पुर्तगालियों को उन्होंने फलते फूलते देखा, मतलब अच्छा काफ़ी प्रॉफिट करते हुए पाया, तो उन्होंने भी यहाँ पर आने की कोशिश की, जिनमें आपके कौन डचेस हो जाते हैं जो हॉलैंड से संबंधित थे, डेनिश जो कि डेनमार्क से संबंधित थे, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी अपनी फैक्ट्रीज को स्टेबलाइज करने का कार्य शुरू कर दिया। द इंग्लिश ट्रेड स्टेबलाइज द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट मे ट्रेड विद इंडिया। और इनका जो सबसे बड़ा जो लाभ मिला था, जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको मिला। उन्होंने भी यहाँ पर अपना ट्रेडिंग के लिए एक नया स्टेबलाइजमेंट शुरू किया, यहाँ पर अपना एक तरीके से कह सकते हो अपने आप को स्टे करने की सोची, विचार किया, और 1600 मतलब 1600 में यहाँ पर आगमन हुआ उनका। और वहीं से महारानी एलिजाबेथ की परमिशन के साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टेबलाइजमेंट हुई, शुरुआत हुई। और द फर्स्ट शिप अंडर द लीडरशिप ऑफ द कैप्टन विलियम हॉकिंस अराइवल इन सूरत। और जो पहला आपका इनका कह सकते हो जो जहाज़ था, जो शिप था, वो कैप्टन हॉकिंस के अगुवाई में यहाँ पर सूरत में पहुँचा, और वहीं से एक तरीके से उनके जो अपोजिशन थे, पुर्तगालीज थे, डचेज थे, और भी कई थे, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी युद्ध होता है। जैसा कि हम पहले से पता है कि ये यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे उनकी कंपनियाँ आपस में यहाँ काफ़ी लड़ती भी रहती थी, लेकिन शुरुआती दौर में तो इन लोगों ने अपने अपने
कहीं ना कहीं एक जो रीजन्स थे वो अपने आप के उनका बंटवारा कर लिया था, डिवाइडेशन कर लिया था। और भी फाइनली हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वहाँ पर मुग़ल एम्पायर से परमिशन लेने के बाद उन्होंने अपनी एक जो फैक्ट्री थी यहाँ स्थापित की, और वो परमिशन थी जहांगीर के शासनकाल में मांगी गई थी इन द टाइम ऑफ जहांगीर। उनका जो एम्परर था इस समय जहांगीर था, इंडिया का एक तरीके से जो दिल्ली में जो सल्तनत थी वो इंडिया में वो जहांगीर थी। उनके परमिशन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग कंपनी को यहाँ जैसे कि कोठी जैसे हम सूरत एक जगह है वहाँ पर स्थापित किया गया 1613 में। और द कंपनी स्टेबलाइज एंड ट्रेड सेंटर ने सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद। और उसके बाद उसने अपनी तीन फैक्ट्रियों को स्थापित किया, एक सूरत में, भरूच में और अहमदाबाद में। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ मराठा इन दिस रीजन द कंपनी सेंस डेंजर एंड टू एसिस्टेंस दे आर द मूव्ड टूवर्ड्स द साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन वेयर दे सेट अप देयर सेंट्रल मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। वहाँ पे लगातार जैसे कि हम जानते हैं सूरत के पास आसपास मराठा जो साम्राज्य था काफ़ी बड़ा एम्पायर था मराठाओं का, उसके होने की वजह से कंपनी ने यहाँ पर अपनी जो कंपनीज की उनको अच्छे से स्टेबलाइज नहीं कर पाया और वहाँ से एक तरीके से हम कह सकते हैं उस डायरेक्शन से निकलना ही उचित समझा और नॉर्थन ईस्ट इंडिया में उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। फिर उसके बाद ईस्टर्न में उन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश, कहने का मतलब उन्होंने वहाँ से निकलना ही उचित समझा। उसके बाद मछलीपट्टनम में भी आंध्र प्रदेश में भी अपनी एक फैक्ट्री को स्थापित किया। उसके बाद सेंट जॉर्ज चेन्नई में स्थापित किया, फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थापित किया। उसके बाद फिर मुंबई में भी उन्होंने अपने आप का जो अपनी कंपनी का हेड क्वार्टर बनाने की समीक्षा की, वहाँ पे बनाया जो कि 1687 के आसपास बनाया गया था। फिर हम देखते हैं था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो भी भारत में आ गई, उन्होंने भी 1668 के आसपास ट्रेड के लिए अपना कार्य शुरू किया। यहाँ पर जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इंडिया जो था एक तरीके से स्पाइस के लिए है ना, सिल्क के लिए काफ़ी फेमस था, डायमंड भी यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। इन सब के लिए कीमती बहुमूल्य चीज़ें थी जो कि अनदर पार्ट्स में स्कार्सिटी पाई जाती थी, उनके लिए यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए थे, यहाँ से ले जाने के लिए आए थे क्योंकि इनमें काफ़ी प्रॉफिट पाया जाता था। ऐसी स्थिति का ही लोगों ने फ़ायदा उठाया था। आगे जैसे कि हम जानते हैं ट्रेड सेंटर माही और कराईकल पांडिचेरी में भी उन्होंने, चंद्रनगर में भी, मछलीपट्टनम, कई जगह फ्रेंच कंपनी ने भी अपने आप को स्थापित किया। इन 18th सेंचुरी द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वर कंस्टेंटली विजी स्टेबलाइजिंग देयर रूल इन द एंटायर वर्ल्ड एंड कंक्यूरिंग मोर टेरिटरीज। और अंत में एक तरीके से जो फ्रेंच और जो यूरोपियन कंट्री में जैसे कि आपका इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनमें आपस में काफ़ी क्रुएलिटी हुई, मारधाड़ भी हुई, तो ये वजह थी क्योंकि एंटायर वर्ल्ड में अपनी अपनी टेरिटरीज़ को स्थापित करना चाहते थे, अपनी अपनी कॉलोनीज़ को स्थापित करना चाहते थे, और यही वजह थी कि आपस में भी काफ़ी लड़ते रहते थे। बिटवीन 1746 एंड 1763 देयर वर थ्री मैसूर वार बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद हम जैसे कि जानते हैं मैसूर बार के अंतर्गत तीन युद्ध हुए थे जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी बढ़ चढ़ का भाग लिया था, आपस में काफ़ी जो है कह सकते हैं बैटल हुई। कंपनी इन इंडिया विच द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट थस मेकिंग ईजिली या ईजी, और अंत में इसमें जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको लॉस उठाना पड़ा, उसको डिफीट होना पड़ा। एंड द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और अंत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अपना साम्राज्य एक्सटेंशन करने का मौका मिला। थस एट द एंड ऑफ दिस बैटल ऑफ द पावर द पुर्तगाल वर लेफ्ट विद दमनद्वीप गोवा वाल फ्रेंच एंड द ट्रेड सेंटर ऑफ चंद्रनगर माहे कराईकल एंड पांडिचेरी मीन वाइल द डच हैज़ टू लीव फॉर एवर। और अंत में इसमें यह हुआ कि डचों को भी भारी मात्रा में एक तरीके से अपने आप लॉस्ट होना पड़ा, गंवाना पड़ा, बहुत से अपने क्षेत्र गंवाने पड़े और हमेशा के लिए उन्होंने कई क्षेत्रों को क्या कर दिया, एक तरीके से छोड़ दिया क्योंकि उनकी हार हुई थी। और अंत में हार की वजह से उन्होंने कई क्षेत्र ऐसे थे इंडिया के जिन्होंने छोड़ दिया और यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स की काफ़ी बड़ी जीत हुई। तो ना स्टूडेंट ये चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से क्या किया गया। और इसी में एक बैटल है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध जिसे हम बोलते हैं, जिस पर उस समय सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब होने की वजह से वो उस समय जो है ड्यू टू हिज इम्प्लूसिव नेचर, इम्प्लूसिव का मतलब आप जानते होंगे स्वच्छंद होता है, मतलब एकदम स्वतंत्र, ही हैड सम अपोनेंट्स इन हिज स्टेट, स्वतंत्र शासन होने की वजह से कई उसके दुश्मन भी बढ़ गए थे
लोगों में द्वेष भावना थी, मतलब कई स्पाइट, मतलब द्वेषतापूर्ण कई लोग थे जो इसके प्रति कार्य कर रहे थे। ड्यूरिंग इन दिस पीरियड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ड ए फोर्टनेस अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता और प्रोटेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। कहने का मतलब, जब बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कई फर्टिलाइजेशन किया गया कई जगह पे कोलकाता के आसपास, तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से जब ऐसा किया गया तो सिराजुद्दौला के द्वारा उसके लिए साफ तौर से मना कर दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, विदाउट आप नवाब की परमिशन के ऐसा नहीं कर सकते, यदि आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहां से लीव होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बट नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्टनेस और अंत में इसके द्वारा सिराजुद्दौला के द्वारा जो फोर्ट थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया। व्हेन दिस न्यू रीच्ड मद्रास चेन्नई ए स्मॉल आर्मी ऑफ द कंपनी लीड टू बाई रॉबर्ट क्लाइव रीच बंगाल इन ऑर्डर टू हेल्प द कोलकाता ट्रेड सेंटर। और अंत में कोलकाता ट्रेड सेंटर की हेल्प की सहायता की सहायता से इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अपनी कंपनी को इकट्ठा किया, मतलब उसकी आर्मी को इकट्ठा किया और मद्रास की तरफ मतलब कूच कर दिया, और जिससे कि हम सिराजुद्दौला से युद्ध कर उसे हरा सकें। और इन स्पाइट ऑफ द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड दे रियलाइज दे विल नॉट ईजी टू डिफीट द नवाब आर्मी। जैसा कि हम जानते हैं आर्मी काफ़ी मजबूत थी कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन वो ये जानते थे कि आसानी से सिराजुद्दौला को नहीं हरा जा सकता, और इसीलिए उन्होंने एक नया रास्ता चुना। सो रॉबर्ट क्लाइव रीच टू ट्रीचरी, क्या किया उन्होंने, ट्रीचरी मतलब उन्होंने एक नया विश्वासघात वाला रास्ता चुना, मतलब किसी को धोखा देने का रास्ता चुना। ए कॉन्स्पिरेसी वाज प्लान इन ऑर्डर टू डिफीट द नवाब, और एक साजिश के तहत नवाब को हराने की कोशिश की गई। कॉन्स्पिरेसी मीन मतलब नवाब, सॉरी एक षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी मीन्स षड्यंत्र, एक षड्यंत्र के तरीके से नवाब को हराने की कोशिश की गई। इन बीच द नवाब कमांडर इन चीफ, जैसा कि नाम सुना होगा हमने, मीर जाफर, आप लोग सभी लोगों ने नाम सुना होगा, उसकी सहायता से उसको उसने क्या किया, नवाब के साथ विश्वासघात किया और अंग्रेज़ों से जा मिला। एंड मीर जाफर एंड सेठ अमीर चंद वर कॉस्ट टू ज्वाइन ऑन द प्रोटेक्ट एंड द नवाब इज अननेसेसरीली हरेसिंग द पीपल, अननेसेसरी द हरेसिंग द पीपल, मतलब अंत में क्या हुआ, मीर जाफर जो इस कमांडर था एक उस सेना का और सेठ अमीर चंद, इनको अंग्रेज़ों के द्वारा अपने साथ मिला लिया गया और अंत में थका देने वाले युद्ध में, मतलब काफ़ी बड़े युद्ध में सिराजुद्दौला की जो है हार हुई। एंड ए वार वाज डिक्लेयर एट द ग्राउंड नियर ए विलेज नेम्ड प्लासी, और एक जो युद्ध था एक प्लासी नामक स्थान पर डिक्लेयर किया गया था, इसीलिए इसे प्लासी का युद्ध भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लान, इसके अंतर्गत मीर जाफर लॉस्ट ऑफ द बैटल, मतलब मीर जाफर के द्वारा इस युद्ध में क्या किया गया, हरा ही दिया गया, किसको, सिराजुद्दौला को। और मीर और सिराजुद्दौला जब हार गया तो ड्यू टू द रॉबर्ट क्लाइव ट्रीजरी द बैटल ऑफ द प्लासी एंडेड इन जस्ट हाफ ए डे, इन जस्ट हाफ ए डे, और अंत में बहुत ही आसानी से जब ये हार गए तो द कंपनी क्लाइव रीच, मतलब साजिश के तहत जब ये हार गए तो उसके बाद क्या हुआ, द कंपनी एज ए रिजल्ट गॉट ए फ्री होल्ड ओवर द 24 परगनास, मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, लगभग 24 परगना जो थे उनको पूरी तरीके से अपनी कंपनी के द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया और अंत में जो मीर जाफर था उसको नया नवाब बना दिया गया। किसको, मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया, क्योंकि सिराजुद्दौला हार चुका था। थस द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया वाज लीड विद द बैटल ऑफ प्लासी, और इसी युद्ध को हम क्या बोलते हैं, प्लासी का युद्ध बोलते हैं, जिसे 1757 में लड़ा गया था। दोस्तों तो आज जो है मैं आपको इतना ही बताने की कोशिश करूँगा, कल फिर एक बार विद रीडिंग आपको फिर आगे पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जो कि कल के लिए नए चैप्टर के लिए, सॉरी नए लेक्चर के लिए, जैसे कि बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।